मुरादाबाद मंडल के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से मचे हड़कंप के मद्देनजर सभी जनपदों के रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चल रहा है। दरअसल मुरादाबाद मंडल के रुड़की रेलवे स्टेशन मास्टर को अज्ञात लोगों द्वारा एक धमकी भरा लेटर मिलने के बाद से रेलवे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए धमकी भरे लेटर में मुरादाबाद रुड़की हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने उसमें लिखा है कि कई धार्मिक स्थानों को भी टारगेट किया गया है। आरपीएफ के अनुसार धमकी देने वाले अज्ञात ने 21 मई को कई रेलवे स्टेशन और कुछ धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद से आरपीएफ और जीआरपी द्वारा मुरादाबाद रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ के जवान संदिग्ध लोगों की सामान सहित चेकिंग कर रहे हैं। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। Come on, Janet, this is it. We have to be going on the Russian mandate or Nahani mandate? We have to be सर, स्टेशन्स को उड़ाने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है स्टेशन मास्टर्स को, क्या पूरा मामला है, क्या आपके संज्ञान में? ये कल के दिन रुड़की रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक लिफाफा मिला था। उसके अंदर कुछ स्टेशनों और कुछ तीर्थस्थल को 21 मई को बम से उड़ाने की एलेज्ड धमकी सी दी गई है, और इसके उपलक्ष्य में, मतलब इसके संदर्भ में सभी जो भी संस्थाएं हैं उनको अवगत करा दिया गया है, उनके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, किन किन स्टेशन को लेकर के ये, इसमें कई सारे स्टेशन हैं जिसका मैं डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगा। आपकी तरफ से क्या उत्तर ज्ञात किए गए? हम लोगों की तरफ से जीआरपी, रेलवे सुरक्षा बल एवं लोकल पुलिस के साथ मिलकर लगातार हर एक स्टेशनों पर चेकिंग की जाती है एवं की जा रही है। कल के दिन भी रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, लक्सर, इन स्टेशन्स पे सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें लोकल पुलिस, जीआरपी एवं सभी सम्मिलित एजेंसीज को के साथ मिलकर ये अभियान चलाया जा रहा है, और ये लगातार चलता रहेगा। ये मुरादाबाद मंडल के बाकी सभी स्टेशनों पर भी हम ऐसा सुरक्षा अभियान, चेकिंग अभियान चलाते रहेंगे।